हरि ओ श्री परमात्मने नमः। अत भगवत गीताम् द्वितीयोऽध्याय सांख्य योगः। क्लैजं मास्वगमः पार्थ नैतप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परंतप। यदि अर्जुन कहे कि अपने बंधुओं की सेना को देखने से उत्पन्न अधैर्य से धनुष को भी धारण करने में असमर्थ मैं क्या कर सकता हूँ, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं है। हे परंतप, तो हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्लैव्य अर्थात क्लीव भाव अर्थात ओज तेज आदि के भंग रूप अधैर्य को मत प्राप्त हो। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, अर्थ यह है कि देवताओं की कृपा से प्राप्त होने के कारण कुंती के प्रत्येक पुत्र में वीर्यातिशय प्रसिद्ध ही है। अतः प्रथा का पुत्र होने के कारण तो ऐसी नपुंसकता के योग्य नहीं है। नैपत्युपपद्यते वाक्य से अर्जुन होने के कारण भी तुझमें यह उचित नहीं है, ऐसा कहा गया है। साक्षात महेश्वर से भी युद्ध करने के कारण प्रसिद्ध महाप्रभाव वाले तुझ अर्जुन में यह नपुंसकता उचित नहीं है। इस प्रकार अर्जुन की असाधारणता के कारण भी उसमें इसकी अयोग्यता का निर्देश किया गया है। अर्जुन की ओर से आशंका करके कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, भगवान कहते हैं क्षुद्रम इत्यादि। हृदय दौर्बल्य अर्थात मन के भ्रमण आदि रूप अधैर्य को यो क्षुद्रता अर्थात लघुता का कारण होने से क्षुद्र है, अथवा जो सुगमता से दूर किया जा सकता है, त्याग कर अर्थात विवेक से दूर करके खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये परंतप, पर अर्थात शत्रुओं को जो तपाता है, ऐसा अर्जुन को संबोधन किया जाता है। यह संबोधन हेतु गर्भित है। भगवान की अभिप्राय को न समझने वाले अर्जुन की ओर से आशंका करके कि मेरा यह स्वधर्म त्याग शोक मोह आदि के कारण नहीं है, परंतु धर्मत्व का अभाव और अधर्म रूप होने के कारण ही इस युद्ध का मैं त्याग कर रहा हूँ। संजय अर्जुन के अभिप्राय को अवतरित करता है। अर्जुन युद्ध कला के विशेष अध्ययन के लिए इंद्र के पास अमरावती में 5 वर्ष तक रहा था। तब वहाँ की अप्सरा उर्वशी उस पर आसक्त हो गई थी। काम पीड़ित होकर वह जब रात्रि के समय अर्जुन के भवन में उपस्थित हुई, तब अर्जुन सशंक हृदय से उसके सम्मुख आया और उर्वशी को बताया कि वह उसको अपनी माता के समान मानता है। इस पर क्रुद्ध होकर उर्वशी ने अर्जुन को साप दिया कि वह क्लीवत्व को प्राप्त होकर एक नर्तकी के रूप में स्त्रियों के बीच में अपना समय व्यतीत करेगा। इंद्र ने अर्जुन से कहा कि वनवास के 13वें वर्ष में उर्वशी का साप सत्य होगा, जिसके बाद वो अपना क्लीवत्व त्याग कर पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगा। फलतः
अर्जुन अज्ञातवास के दिनों में विराट के यहाँ भृंगड़ा के रूप में क्लीव अर्थात नपुंसक बनकर रहा। ये महाभारत का प्रसंग है। इस पूर्व प्रसंग की ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण का अर्जुन से कहना कि तुम्हें पूर्व क्लैब उपपन्न था क्योंकि वो तेरे धर्म का रक्षक था, किंतु किसी पुरुष के लिए किसी कार्य को करने में अपने को असमर्थ समझना रूप जो क्लैव्य अर्थात कायरता है, वह क्लैव्य या कायरता तुझमें उचित नहीं है। एतत् त्वयि नोपपद्यते, क्योंकि तुझे वीर प्रसु पृथा का पुत्र होने के कारण इंद्र का पराक्रम प्राप्त हुआ है। तू साक्षात महादेव से युद्ध करने के कारण महान प्रभावशाली है। तू परंतप है अर्थात तू भयंकर से भयंकर शत्रुओं को भी तपा देने वाले है। अर्जुन वाच कथम भीष्म संख्ये दृढ़ च मधुसूदन इसु भी प्रतियोच्यामि पूजरहा वरिषूदन। इस युद्ध का मैं त्याग कर रहा हूँ। संजय अर्जुन के अभिप्राय को अवतरित करता है। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन हे हरिसूदन मैं युद्ध में पूजा के योग्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से किस प्रकार प्रतियुद्ध करूंगा। मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ युद्ध में अर्थात रण में बाणों से किस प्रकार प्रतियुद्ध करूंगा अर्थात उन पर बाणों से किस प्रकार प्रहार करूंगा। किसी भी प्रकार नहीं, क्योंकि वे दोनों पूजा के योग्य हैं, पुष्पादि के द्वारा अर्चना के योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि उन पूजनियों के साथ तो क्रीड़ा स्थल में भी वाणी से भी हर्ष उत्पन्न करने वाला भी लीला युद्ध तक करना अनुचित है। फिर युद्ध में बाणों से उन पर प्राण त्याग करा देने वाला प्रहार करने की तो बात ही क्या है। मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन शोकाकुलता के कारण पूर्वापर का विवेचन न रहने से अर्जुन के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं। अतः मधुसूदन और अरिसूदन इनके अर्थ में पुनरुक्ति का होना दोष नहीं है। प्रतियोच्यामि इस क्रियापद से यह सूचित किया गया है कि जिनके साथ युद्ध मात्र भी उचित नहीं है उनका वध करने की बात तो दूर ही है। अथवा पूजनियों के साथ मैं किस प्रकार प्रतियुद्ध करूंगा, भीष्म और द्रोण ये दोनों पूजनियों ही विवरण रूप है। इसका संबंध देवदत्त और यज्ञदत्त दो ब्राह्मण के भोजन कराओ इस वाक्य के समान समझना चाहिए। भाव यह कि दुर्योधन आदि भीष्म और द्रोण को आगे किए बिना तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं और उनके साथ युद्ध करना धर्म नहीं है क्योंकि पूजादि के समान उसका विधान नहीं किया गया है। तो और यह भी नहीं करना चाहिए कि शास्त्र में यह निषिद्ध न होने के कारण अधर्म भी नहीं है क्योंकि गुरु कुंकृत्य पंकृत्य इत्यादि स्मृति वाक्य से शब्द मात्र से भी गुरुद्रोह अनिष्ट प्रदायक होने के कारण निषिद्ध कहा गया है। तो उनके साथ संग्राम करना अधर्म और निषिद्ध है, इसमें तो कहना ही क्या है। धर्म शास्त्र में कहा गया है गुरुं हुं कृत्य त्वं कृत्य विप्रं निर्जित्यवादतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्रोपसेवितः। अर्थात जो व्यक्ति अपने गुरु का हुंकार या तुंकार शब्दों से निरादर करता है अथवा ब्राह्मण को विवाद में जीतता है
तो वह मृत्यु के पश्चात स्मशान भूमि में वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण करता है, जिस पर गीध और कौवे निवास करते हैं। इस प्रकार एक और शास्त्र वचन है, गुरुं हुं कृत्य तुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले स्थाने स भवीत ब्रह्म राक्षसः। अर्थात जो गुरु से हुंकार या तुंकार पूर्वक भाषण करता है और ब्राह्मण को विवाद से जीतता है, वह जलशून्य जंगल में ब्रह्म राक्षस होता है। इसी आशय का एक श्लोक याज्ञवल्क स्मृति में भी आया है, गुरुं हुं कृत्य त्वं कृत्य विप्रनिर्जित्य वादत बद्वा बा वाससा विप्रम प्रसाद्योपवसेत दिनम। अर्थात जो व्यक्ति अपने गुरु का हुंकार तुकार आदि शब्दों से निरादर कर बैठे या ब्राह्मण को विवाद में जीत ले या वस्त्र से बांध डाले, तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न करके एक दिन का उपवास करना चाहिए। यहाँ ऐसा प्रतीत होता कि मधुसूदन सरस्वती को पूर्वोद्धृत श्लोक की अभिप्रेत है, क्योंकि उसके द्वारा उद्धृत स्मृति वाक्य में उन्हें अनिष्ट फल का प्रदर्शन भी अभिष्ट है, जो कि पूर्वोद्धृत स्मृति वाक्यों में प्राप्त है, किंतु याज्ञवल्क स्मृति वाक्य में वो प्राप्त नहीं है, वह प्रायश्चित विधान ही किया गया है। गुरु होने के कारण ही तो भीष्म और द्रोण की पूजनीयता है। इसी प्रकार कृपा आदि अन्य गुरुजनों को भी पूजनीयता है, किंतु इस समय इन्हें गुरु रूप से स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योंकि स्मृति में कहा गया है, जो अवलिप्त अर्थात गर्भित हो कार्याकार्य को न जानता हो तथा उत्पतगामी हो, उस गुरु को भी त्याग देना विधान है। ये महाभारत शांति पर्व अध्याय 57 श्लोक 7 में लिखा गया है। अतः युद्ध के गर्भ से गर्भित अन्याय पूर्वक राज्य को ग्रहण करने और शिष्यों से द्रोह करने के कारण कार्याकार्य के विवेक से शून्य और उत्पतनिष्ठ अर्थात कुमार्ग में प्रवृत्त इन गुरुजनों का वध करना ही अच्छा है। ऐसी आशंका करके अर्जुन यहाँ खड़ा है। हरि शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।